नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41, यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वॉटर अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स टू कॉम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री. द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. तो क्या हुआ, हाँ जी, अगर आप ये पिक्चर देखो तो जो यूथ थे उन्होंने अपने जो कैंप्स हैं वहाँ से खाली यूटेंसिल्स अपने स्टमक के ऊपर रख दिए और वहाँ पे जो मिट्टी, जहाँ पे मतलब पानी कम था, वहाँ पे जाकर लेट गए. और जब भी हेलीकॉप्टर वहाँ से पास हुआ तो उस रिफ्लेक्शंस के, जो यूटेंसिल्स की रिफ्लेक्शन ऊपर गई, वहाँ से उनको सिग्नल मिल गया कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको खाना चाहिए या फिर कहते हैं मेडिसिंस या प्रोवाइड करनी है. तो आफ्टर डैट हर रोज़ जो हेलीकॉप्टर है वो हर रोज़ वहाँ पे आने लग गया और इसके बाद उनको कभी भी खाने की कमी महसूस नहीं हुई. प्रशांत फाउंड डैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड. ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम. वुमन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटीरियल्स फॉर द शेल्टर. तो प्रशांत ने क्या देखा कि उनका जो कैंप है जहाँ पे वो शेल्टर लिया हुआ था रेड क्रॉस सोसाइटी में, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑर्फेंड हो गए थे, अनाथ हो गए थे, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी. और उन्होंने उसने क्या किया, उन सब बच्चों को इकट्ठे किया और एक पॉलीथीन शीट शेल्टर की बनाई और वहाँ पे उनको रख दिया और वुमेंस की ड्यूटी लगा दी. मोबिलाइज का मतलब होता है किसी कॉज के लिए वर्क करना, तो उनकी ड्यूटी लगा दी कि उनको देखभाल करें. और मैन का काम क्या था कि वो शेल्टर्स के लिए खाना और मटेरियल, जो भी बेसिक मटेरियल या खाना चाहिए था, मैन वो सिक्योर करते थे. एज द वीक्स पास्ट प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ. ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स. तो जैसे ही हफ्ते के हफ्ते पास हुए तो प्रशांत ने क्या देखना शुरू किया, जो वुमेंस हैं और जो चिल्ड्रंस हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जो औरतें हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो सारी फैमिलीज क्या हो गई हैं, ग्रीफ में, दुख में डूबना शुरू हो चुकी हैं. और कहीं ना कहीं वो उसके अंदर डीपर ही डीपर ग्रीफ में डूबते जा रहे हैं. तो उसने क्या किया कि उसने वुमेंस की तरफ, परसुएडेड का मतलब होता है किसी को मनाना, वुमेंस को मनाया कि आप एनजीओ, जो वहाँ पे एनजीओस हैं, उनमें फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में काम करना शुरू करो. और बच्चों के लिए उसने कुछ स्पोर्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए ताकि बच्चे जो है वो चेयरफुल हो सके. ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन. तो उसको भी क्रिकेट बहुत पसंद था, इसलिए उसने बच्चों के लिए भी बहुत सारे क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए. प्रशांत इंगेज विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर lives. The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institution children would grow up without love and widows. तो प्रशांत जो था कहीं ना कहीं ये जानता था कि जो volunteers हैं, volunteers का मतलब क्या होता है, जो free service provide करते हैं, कोई पैसा charge नहीं करते किसी के लिए, social service करते हैं, कि जो विडोज़ हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और जो चिल्ड्रंस जो अनाथ हो गए हैं, उनकी लाइफ्स के जो ब्रोकन पीसेज हैं उनको फिर दोबारा पिक करने की ज़रूरत है, उनको फिर दोबारा अपनी लाइफ में वापस ले जाने की ज़रूरत है. तो जो गवर्नमेंट का इनिशियल प्लान था कि वहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाया जाए ऑर्फन बच्चों के लिए और विडोज़ के लिए, वो कहीं ना कहीं प्रशांत ने सक्सेसफुली रजिस्ट कर दिया था, रोक दिया था. इसका रीज़न क्या था कि वो सोचता था कि अगर ऐसी जगहों पे, ऐसे इंस्टीट्यूट में एक बार बच्चा चला गया तो वो सारी ज़िंदगी क्या प्यार के बिना ग्रो करेगा, उसको वहाँ पे कोई भी प्यार करने वाला या समझाने वाला नहीं मिलेगा. तो विडोज़ हैं जो, जिनके हस्बैंड नहीं हैं, वो सफ़र करेंगे स्टिग्मा एंड लोनलीनेस से. स्टिग्मा का मतलब होता है कोई बैड मार्क, कोई धब्बा कि वो अब क्या है, विडो हो गई हैं. और लोनलीनेस, उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होगा, वो अकेली रह जाएंगी. प्रशांत ग्रुप्स बिलीव ऑर्फन्स वुड बी रीसेटल इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर. तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं रीसेटल, फिर दोबारा इनको एस्टैब्लिश करना चाहिए और
ऐसी कम्युनिटीज़ हमारी अपनी कम्युनिटी में ही इनको इस्टेब्लिश करना चाहिए, और ऐसी फॉस्टर फैमिलीज़ जो इनकी देखभाल कर सकती हैं, उनको जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जो चाइल्डलेस फैमिलीज़ हैं उनको ये बच्चों को दे दिया जाना चाहिए जो ऑर्फन हुए हैं। और इन चिल्ड्रन की भी क्या है, विदाउट एडल्ट केयर देखभाल नहीं हो सकती, कोई बड़ा होना चाहिए बच्चों की देखभाल के लिए। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, दिस टाइम प्रशांत्स वोंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज़ वट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। तो 6 महीने निकल चुके थे डिवास्टेशन को, डिस्ट्रक्शन को, सुपर साइक्लोन ने जो कॉज किया था, मगर प्रशांत के पास अपने दुख को मनाने का कोई टाइम नहीं बचा था। वो उस चीज़ से निकल चुका था, हील हो चुका था, क्योंकि उसने अपना सारा टाइम जो है वो दूसरों के लिए डाइवोट कर दिया था, वो अपनी पेन जो है वो भूल चुका था। और जो उस प्रशांत था उसका यूथफुल फेस सब लोगों को याद था, कि जितने भी वहाँ पे विडोज ऑर्फन बच्चे थे वो हमेशा प्रशांत के उस फेस को याद रखते थे, कि उसने उनके डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ में, दुख की सबसे बड़ी घड़ी में कोई अगर उनके साथ खड़ा था तो वो कौन था, वो प्रशांत था। सो दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड एंड इट वॉज रिटन बाय हर्ष मंदीर एंड दिस ब्यूटिफुल चैप्टर कम्स टू एन एंड। सो दिस इज़ योर होमवर्क टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।